और नया बिल्डिंग जो देख रहे हो आप लोग बहुत बड़ा बिल्डिंग है। और स्कूल में 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई की, मतलब पूरे 8 साल की पढ़ाई की भाई, क्या मतलब बहुत बड़ा स्कूल है। देखिए वहाँ से इधर तक देख सकते हो आप लोग कितना बड़ा है। हम लोग पर डे हर टिफिन पर यहाँ पे बैठते थे, और लोग इतना दुख हो रहा है अभी भी, मतलब इतना हमको तो अभी रोना आ गया गाइस, क्या ही बताया। तो भाई अभी भी वो दिन याद आ रहा है, क्या ही बताया भाई। देख सकते हो ये वाला पेड़ है, बहुत याद आ रहा है भाई। और बाहर नहीं निकल पा रहा था और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। और हम लोग हेलो दोस्तों, राम राम के हिसाब से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे मेरे ब्लॉग के साथ। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले मेरे बचपन का स्कूल, मतलब मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई की है, तो स्कूल आज आपको दिखाएंगे। और काफी बड़ा और मतलब बहुत प्यारा स्कूल है, तो जो कि हमारे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाएंगे, तो चलिए बिना देखो ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम निकल चुके घर से, और यहाँ पे सामने देख सकते हो मेरा साइकिल है। तो भाई अभी हम स्कूल के पास पहुंच चुका, और सामने देख सकते हो, मतलब देखिए स्कूल का मतलब पीछे साइड है, और इधर भी देखिए, और इधर से सामने से मतलब गेट है। तो चलिए हम लोग अंदर जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये है एंट्री गेट स्कूल का, मतलब ये है एंट्री गेट। देखिए अभी नया गेट लगवाया गया यहाँ पे, इसीलिए मतलब ऐसा है हालत। और इधर देखिए अभी हम पहुँच चुके स्कूल के पास। तो सो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं हमारा पैरा से स्कूल, और आप लोग को दिखाता हूँ। तो देख सकते हो ये स्कूल का नज़ारा, मतलब इधर ऑफिस साइड है, और इधर भी देखिए मतलब ये बहुत पुराना स्कूल है, और इस साइड पे नया बिल्डिंग है, तो ये भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग फिलहाल इधर देखिए, मतलब देख सकते हो क्या नाम है स्कूल का, KKDM उच्च विद्यालय जिगराडी पाकुड़। देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, इधर भी देखिए, और हम आप लोगों को अंदर भी दिखाएंगे। तो चलिए आप लोग बने ब्लॉग में। तो चलिए भाई अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक ठो मूर्ति है, और मतलब इसका नाम है कालीकिंगर दत्त, और इसी महान पुरुष के नाम से जो स्कूल बना है। तो बहुत मतलब अच्छा इंसान था, देख सकते हो आप लोग। और इधर स्कूल का नज़ारा, तो चलिए आप लोगों को स्कूल घुमाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं स्कूल के अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। तो देख सकते हो आप लोग ये मतलब स्कूल है, और ये मतलब बहुत पुराना क्लास है अभी, मतलब इस समय क्लास व्लास नहीं होता है, सब मतलब कचरा वचरा अंदर घुसा हुआ। आप लोगों को दिखाता हूँ, तो देख सकते हो इधर टेबल वेबल ऐसे ही गिरा हुआ है, देखिए मतलब सब कुछ बोरा वोरा सब कुछ रखा हुआ है, अभी क्लास नहीं होता, मतलब बहुत दिन से क्लास नहीं होता है। और ये मतलब बहुत पुराना है, लगभग बहुत पुराना, क्या ही बताएं हमको उतना नहीं पता, तब क्लास होता था, अभी मतलब इस सब में क्लास नहीं होता अभी। और आप लोग सामने देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर क्लास होता है, और नया बिल्डिंग जो देख रहे हो आप लोग बहुत बड़ा बिल्डिंग है, और वहाँ पे क्लास होता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारा क्लास आप लोग को दिखाएंगे के करके। तो उधर जाएंगे हम, और ये शायद मतलब आप लोग जो देख रहे हो इस सब क्लास जैसा, तो मतलब क्लास अभी नहीं होता, बहुत पुराना, मतलब बहुत दिन पहले क्लास होता था, तब हम लोग मतलब हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था, तो ये मतलब वो वाला बिल्डिंग नहीं था, तब यहाँ पे क्लास हुआ करता था। देख तो भाई आप लोगों को फनी बात शेयर करते थे हम लोगों का स्कूल लाइफ का, तो चलिए भाई आप लोग दिखाते हैं। तो देख सकते हो भाई यहाँ पे बाथरूम है, देखिए शौचालय, मतलब बालिका पहले लड़कों का था, अभी मतलब लड़की का बना दिया गया। और यहाँ पे क्या है ना, अगर कोई दोस्त अंदर जाता था, हम लोग क्या करते थे पता है, मतलब जो अंदर गया और हम लोग फटक से ये खील तो मतलब इधर से नॉक कर देते थे, और बाहर नहीं निकल पाता था, और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, और हम लोग मतलब बहुत मजे लेते थे। और जब देखते थे कि टीचर आ रहे थे उधर से, सामने ऑफिस है वहाँ पे, देखिए वहाँ पे सामने ऑफिस है, जब देखते टीचर निकल गया क्लास करने के लिए आ रहा है, हम लोग फटक से क्या करते थे, मतलब खोल देते थे, और इधर से मतलब अपने क्लास जो है इधर घुस जाते फटक से, और काफी इंजॉय किया करते थे हम लोग अपने स्कूल लाइफ में। मतलब वो दिन भी क्या दिन थे भाई, अभी मतलब याद आ रहा है भाई, काफी इंजॉय करते थे स्कूल में, और बहुत अच्छा स्कूल है भाई, कहीं बताए। तो अभी हम जा रहे हैं इस साइड पे, देखिए इधर है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग नया बना है, मतलब नया नहीं बहुत हो गया, 6-7 साल हो गए अभी, तो मतलब बड़ा बिल्डिंग है इधर। तो चलिए उधर जाते हैं भाइयों। भाई अभी हम स्कूल के सामने, मतलब नए वाले बिल्डिंग के सामने आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देख सकते हो नया वाला बिल्डिंग, देखिए काफी लंबा है, मतलब बहुत बड़ा स्कूल है, देखिए वहाँ से इधर तक देख सकते हो आप लोग कितना बड़ा है। और यहाँ पे भी देखिए वही वाला स्कूल का नाम है, आप लोग सोचेंगे कि मतलब दूसरा स्कूल दिखा रहे, नहीं वही देखे, तो वही देख सकते हो कि KKDM उच्च विद्यालय जिगराडी पाकुड़ झारखंड, तो वही मतलब स्थापित देखिए 1984, और काफी बढ़िया स्कूल है। तो चलिए भाई अभी जाएंगे उधर अंदर जाएंगे, और आप लोगों को थोड़ा क्लासरूम वो सब दिखाएंगे, और यहाँ से थोड़ा आप लोगों को क्लास दिखा देते हैं, मतलब ऊपर नहीं जा पाएंगे ऊपर, मतलब अभी गेट बंद है। और वहाँ पे देखिए आप लोग ऊपर देख सकते हो ना, ये वाला सामने है, मतलब यहाँ पे तो क्लास है, तो ये हम लोगों का 9 क्लास था, क्या ही बताएं, यहाँ पे देख सकते हो 9 क्लास था, और इधर मतलब प्रैक्टिकल रूम था हम लोगों का, तो देखिए यहाँ पे 9 क्लास है, और इधर थोड़ा कंप्यूटर क्लास था इस साइड पे देख सकते हो।
तो देखिए उधर ऊपर मतलब छत है वहाँ पे, तो उधर आप नहीं दिखा पाएंगे, और चलिए अब नीचे दिखा देते थोड़ा आप लोगों को। तो देखिए काफ़ी बढ़िया स्कूल का लुक है भाई। तो चलिए भाई थोड़ा हम जा रहे हैं स्कूल के अंदर। तो चलिए भाई अभी आ चुके, और देख सकते हैं सीढ़ी ऊपर जाने का, तो अभी फिलहाल ताला बंद है भाई, देख सकते हो आप लोग ताला बंद, यहाँ पे एक तो ताला बंद है यहाँ पे गेट पे, और इधर देखिए सीढ़ी है ऊपर छत जाने का, मतलब नाइन क्लास जाने का। और यहीं पे देख सकते हो यही वाला जो क्लासरूम है ना भाइयों, तो ये वाला क्लासरूम आप लोग देख सकते हो, ये वाला क्लासरूम 8 क्लास का है। तो देख पहले तो 8 था, हम लोग को अच्छा सा पता है गाइस 8 था, और इस साइड पर हम लोग दिखाते हैं देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्लास है ना, ये 7 था, हम लोग को अच्छे से पता है 7 क्लास था। और भी दिखाते हम लोग को 6 क्लास दिखाते हैं, रुकिए भाई। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्लास है ना, ये वाला क्लास ये 6 क्लास था, देखिए आप लोग यहाँ पे एक तो गेट है और इधर एक तो गेट 6 क्लास का। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग मतलब पहले जब स्कूल में पढ़ते थे, और हम दोस्त सब सारे मिलकर मतलब टिफिन के बाद जहाँ पे बैठते थे, देख सकते हो अभी हम वहाँ पे उस पेड़ के नीचे आ चुके हैं। और क्या ही बताएं दोस्तों, सच में भाई बहुत याद आ रहा है ये मतलब पेड़ का छावनी। मतलब हम लोग क्या करते थे, पहले टिफिन कर लेते थे उधर, देख सकते हो मतलब दुकान वुकान है उधर, नाश्ता वास्ता कर लेते थे, उसके बाद सारे दोस्त मिलके कोई यहाँ पे बैठते थे, कोई पेड़ के ऊपर बैठते थे, और काफ़ी मतलब बातचीत करते थे हम लोग टिफिन के टाइम में, और बहुत इन्जॉय भी करते थे, क्या ही बात। तो भाई अभी भी वो दिन याद आ रहा है, क्या ही बताया भाई, क्या ही दिन था भाई, इतना याद आ रहा है क्या ही बताया। और देख सकते हो ये वाला पेड़ है, बहुत याद आ रहा है भाई। तो फिलहाल यहाँ पे अभी एक तो गाय बैठा हुआ है, और वहाँ पे सामने देख सकते हो आम का पेड़, तो वहाँ पे भी हम लोग बैठा करते थे, मतलब वहाँ पे बहुत कम बैठते थे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैठते थे, क्या ही बताया गाइस, हम लोग पर डे हर टिफिन पे यहाँ पे बैठते थे। और क्या ही ना स्कूल लाइफ था भाई, क्या ही बताया आप लोग, इतना दुख हो रहा है अभी भी, मतलब इतना हमको तो अभी रोना आ गया गाइस, क्या ही बताया आप लोगों को। और इधर तो भाई आप लोग देख सकते हो ये तालाब है, और बहुत बड़ा तालाब है, और काफ़ी अच्छा तालाब, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता था। और अभी तो मतलब पानी सूख गया, और पहले हम लोग के टाइम में बहुत पानी था, पता नहीं अभी पानी क्यों सूख गया है। और ये जो सामने सीढ़ी देखे, वो सीढ़ी मतलब नहीं था, अभी जस्ट 1-1.5 साल हुआ नया बनाया है सीढ़ी, और हम लोग के टाइम में सीढ़ी नहीं था। और काफ़ी अच्छा तालाब था, मतलब स्कूल के सामने इधर भी देख सकते हो, और इधर भी स्कूल है, स्कूल के सामने मतलब तालाब ना काफ़ी मस्त लगता था देखने में। और पेड़ तो अभी मतलब पतझड़ का टाइम है देख सकते हो, इसीलिए मतलब पेड़ में पत्ता वत्ता नहीं है, वरना देखने में बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी मतलब हमारा स्कूल जो प्यारा स्कूल है, हरा भरा सब कुछ हर तरफ से मतलब भरा हुआ स्कूल, क्या ही बताएं आप लोग, इतना कितना तारीफ करो हम लोग स्कूल, आप लोग बताइए, मतलब आप लोग दिखा रहे हैं ना स्कूल में कितना क्या चीज़ है, आप लोग बताइएगा कैसा है हमारा स्कूल। तो भाई अभी हम 10 क्लास के पास खड़े हुए हैं, और आप लोगों को बताते हैं कि ये स्कूल हमारा बचपन का स्कूल नहीं है भाई, हम लोगों का बचपन का स्कूल अपने गांव में है, मतलब अपने गांव के स्कूल में 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई की है, मतलब पूरे 8 साल की पढ़ाई की है भाई, क्या ही बताएं, वो हम लोगों का बचपन का स्कूल है। और मतलब 8 क्लास के बाद हमारे गाँव में मतलब क्लास नहीं है, मतलब और क्लास नहीं है, जिसके कारण हम लोग इस स्कूल में शिफ्ट होना पाए, और इस स्कूल में हम लोग 9 और 10 की पढ़ाई कंप्लीट की, मतलब इसका नाम है केकेडीएम हाई स्कूल। तो बहुत प्यारा स्कूल है भाई, क्या ही बताए, तो हो सके तो आप लोग हमारा बचपन का स्कूल का भी ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो भाई अभी हम आम के पेड़ के नीचे थोड़ा बैठे हैं, मतलब थोड़ा गर्मी लग रहा है इसके कारण थोड़ा रेस्ट लिए। तो देख सकते हो आम का पेड़ है ऊपर, और आम है पेड़ पे देख सकते हो, और यहाँ पे हम बैठे थे, और इधर देख सकते हो वही वाला तालाब है, और इधर भी देखिए स्कूल का एरिया आप लोग जो बताए आप लोगों को, और इधर देखिए हमारा प्यारा सा स्कूल देख सकते हो। तो चलिए भाइयों अभी हम सोच रहे हैं कि जाएंगे घर, तो चलिए भाइयों घर जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई आप लोगों मेरा पहला सेशन कैसा लगा आप लोगों को मैंने बताया, तो चलिए ये वाला ब्लॉग समाप्त करते हैं, ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय श्री राम।